सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटे में दबा देना, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेलो बच्चों, आप सबको स्वागत है फेक और न्यू वीडियो में। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का मीन्स बोलते हैं सिबलिंग फेस्टिवल यानी रक्षाबंधन। नेक्स्ट है हमारा राखी। जब बहन भाई को राखी बांधती है उस राखी को हम बोलते हैं सिबलिंग बैंड यानी राखी। नेक्स्ट है हमारा कलाई। जिस कलाई पर वो राखी बांध जाती है उस कलाई को हम मीन्स बोलते हैं रिस्ट यानी कलाई। वैसे राखी का त्यौहार आने वाला है तो राखी के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। नेक्स्ट है हमारा अपने भाई की कलाई पर राखी बांधो, ये एग्जांपल है। इसको हम इंग्लिश बोलेंगे टी राखी अराउंड योर ब्रदर्स रिस्ट यानी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधो। नेक्स्ट है हमारा आरती उतारना। जब राखी भी बांधने के बाद आरती उतारते हैं उसको हम इंग्लिश बोलते हैं परफॉर्म आरती यानी आरती उतारना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अब आरती उतारो। नाउ परफॉर्म आरती यानी अब आरती उतारो। नेक्स्ट है हमारा माथा। जो माथा होता है उस पर हम तिलक लगाते हैं। उस माथे को हम यूज होते हैं फॉर हेड यानी माथा, जहाँ पर तिलक लगाया जाता है। तिलक लगाना, जैसे तिलक लगाना, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं अप्लाई तिलक यानी तिलक लगाना। नेक्स्ट है हमारा अपने भाई के माथे पर तिलक लगाओ। अप्लाई तिलक ऑन योर ब्रदर्स फॉर हेड यानी अपने भाई के माथे पर तिलक लगाओ। नेक्स्ट है हमारा जब राखी बांधने के बाद जब मुँह मीठा कराया जाता है भाई का, उसको मिठाई को हम खिलाना को हम इंग्लिश बोलते हैं फीड स्वीट्स यानी मिठाई खिलाना। नेक्स्ट है हमारा अपने भाई को मिठाई खिलाओ। इसे ये सेंटेंसेस को हम इंग्लिश बोलेंगे फीड स्वीट्स टू द योर ब्रदर यानी अपने भाई को मिठाई खिलाओ। नेक्स्ट है हमारा उपहार या नेक। जब राखी बांधने के बाद कोई भाई कुछ होकर उपहार या नेक देते हैं उसको हम इंग्लिश बोलते हैं गिफ्ट या प्रेजेंट यानी उपहार या नेक। नेक्स्ट है हमारा पेड़ छूना। पेड़ छूने को हम इंग्लिश बोलते हैं टच फिट यानी पेड़ छूना। तो बड़ों के कोई बुजुर्गों को के या फिर बहन कोई बहन बड़ी हो उसके पेड़ छूने यानी टच फिट। नेक्स्ट हमारा अपनी बड़ी यानी अब अपनी बहन के पेड़ छुओ। नाउ टच फिट ऑफ माय सिस्टर यानी अपनी बहन के पैर छुओ। नेक्स्ट हमारा वादा करना अपनी बहन से कुछ वादा करना, उसको हम इंग्लिश बोलेंगे प्रोमिस या फिर प्लेडज यानी वादा करना। नेक्स्ट है हमारा रक्षा करना। जैसे हम वादा में कहते हैं कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी पर रक्षा करूँगा, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना। नेक्स्ट है हमारा गेवर। ये राखी के त्यौहार के सीजन में चलने वाली मिठाई है, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं गेवर या फिर गेवर। नेक्स्ट है हमारा मैं हर साल डाक से राखी भेजती हूँ। आई पोस्ट राखी एवरी ईयर यानी मैं हर साल डाक से राखी भेजती हूँ।